स्वागत आपका इस खास पेशकश में हाजी अली दरगाह पर मेरी जीरो ग्राउंड की कवरेज। बिल्कुल मैं भी हाजी अली दरगाह की सामने वाले की तरफ हूँ, फ्रंट गेट पे। इसके चारों तरफ बनी है बहुत ऊंची ऊंची इमारत, इसके अलावा चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत समुद्र, और समुद्र के बीच बीच में अभी जल स्तर बहुत कम हो रखा है। दो बार ज्वार भाटा आते 24 घंटे में। अभी बताया जा रहा है कि 2 बजे के लगभग यहाँ पर ज्वार भाटा आया था, और इसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल समुद्र का पानी रहता है, लेकिन अभी नहीं, अभी लगभग 20 मीटर की दूरी पर वो पानी है, और बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं। आपको बता दूँ, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग मुझे अभी जल स्तर घटने के बाद लोग बिल्कुल समुद्र में आए हुए हैं। वो देखिए मेरे बैक साइड चारों तरफ लोग अभी खींचते हुए वीडियो बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए मेरी फोटो की कवरेज हाजी अली दरगाह पर, इस तरीके से पवित्र दरगाह, बहुत ही ऐतिहासिक। हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आते हैं। हजारों लोग आज भी मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत भीड़ भड़ाका है दरगाह के अंदर, दरगाह के चारों तरफ। ये वो जगहें, ये वो पवित्र स्थान हैं जो वास्तविक मानव जाति के लिए, हाजी अली की मैं जहाँ तक बात करूँ, ऐसे महाबली थे जिन्होंने मानव समाज को दिशा देने के लिए, मानव समाज को जोड़ने के लिए प्रयास किया है। और यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो ऐसे सुरमा, ऐसे महान संत जिनकी नाम से ये दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, आज भी उनकी मजार पर लोग आकर के सॉल चढ़ाते हैं और चादर, और इसके अलावा अन्य चीज़ें वहाँ पर चढ़ाई जाती है। मुझे मिलते हैं अभी दरगाह में। ये क्या नाम है साहब आपका? साकिब साहब, ये अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो अभी चल रहा, ये क्या अभी यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है, ये क्या है? अजान की आवाज़ है, यानी अभी अजान पढ़ा जा रहा है, जिसके बाद नमाज पढ़ा जाता है। हालांकि मैं बात करूँ दरगाह, ईदगाह और मस्जिद, तीन जगहें होती हैं। ये तो आप उपस्थित होते हैं जिसके बारे में आप बताओ। आपका क्या नाम है बच्चे? आप भी यहाँ घूमने के लिए पहली बार आएंगे? अच्छा, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हाजी अली के बारे में? और देखो, हालांकि लड़की ने कभी पहन रखा है, प्रयास कर रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं बता रही, बताई जाए ताकि वो हाजी अली जो एक बहुत महान अली थे उनके बारे में जाने और उनका मैसेज को आगे पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देख खाता हूँ आपके और जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय हिंद।